बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक भर्ती घोटाले में निलंबित चल रहे प्रधान अध्यापकों को बहाल तो कर दिया गया है लेकिन ये प्रधान अध्यापक बहाली से संतुष्ट नहीं है इसे लेकर इन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को शिकायत दर्ज कराई है गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती में जनपद में 110 शिक्षकों को फर्जी तौर पर छियासी विद्यालयों में नियुक्त करा दिया गया था इस प्रकरण में जून 2018 में छियासी प्रधान अध्यापक व प्रभारी प्रधान अध्यापक निलंबित किए गए थे जून 2019 में इन्हें अंतिम बहाली दे दी गई थी लंबे समय से ये प्रधान अध्यापक बहाल किए जाने की मांग कर रहे थे शासन के निर्देश पर इनमें से तिहत्तर शिक्षकों को बहाल कर दिया गया है इनमें से कुछ शिक्षकों को चेतावनी दी गई है तो कुछ को दंड स्वरूप प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी गई है पांच प्रधान अध्यापकों को फर्जी शिक्षकों को विद्यालय में ज्वाइन कराने का आरोपी मानते हुए स्थायी रूप से इनके दो इंक्रीमेंट रोक दिए गए हैं वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार सिंह की इस कार्यवाही से बहाल किए गए प्रधान अध्यापक संतुष्ट नहीं है उनका कहना है कि शासन से बहाली के जो आदेश आए थे उनमें साफ लिखा था कि बहाल किए जाते समय उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जानी है जिसे की विभाग ने नहीं माना है बहाल किए गए दर्जन भर से अधिक प्रधान अध्यापक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुँचे जहां उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा बहाल किए गए प्रधान अध्यापक लोकेश गोस्वामी द्वारा निलंबन से बहाली तक के पूरे प्रकरण को बहाली में की गई गड़बड़ियों के विषय में जानकारी दी वहीं पूरे प्रकरण में तेरह प्रधान अध्यापकों की फाइल पुलिस के पास होने की बात कहते हुए उन्हें बहाल नहीं किया गया है ऐसी ही एक प्रधान अध्यापिका ने अपनी समस्या बताई शिक्षा विभाग के सर्वदित फर्जी शिक्षक भर्ती 2016 प्रकरण है जिसमें जनपद स्तर के अधिकारियों और तमाम खंड शिक्षा अधिकारियों और बेसिक शिक्षा मथुरा कार्यालय से पटल बाबू द्वारा जो है रैकेट बनाया गया और फर्जी शिक्षक नियुक्त करके नियुक्ति आदेश पत्र बी एस से, से जारी करके विभिन्न विद्यालयों में भेजे गए छासी विद्यालयों में जब वो भंडाफोड़ हुआ आप सबके चैनलों के और मीडिया के माध्यम से तो उसमें डायरेक्टर और वित्त नियंत्रक आदि के माध्यम से बाईस जून 2018 में एक जांच कमेटी जाम मथुरा में आई बीस बाईस जून को और उसने अपना निर्णय दिया हमको प्रथम दृष्टि हम इंचार्ज हेडमास्टर हैं सभी जो स्कूलों में एक एक दो दो की संख्या में ही रहते हैं तो वो नया टीचर जो फर्जी आया था वो नियुक्ति पत्र लेके आया था और खंड शिक्षा अधिकारी ने हमको आदेशित किया कि इसको विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था हेतु कार्यभार ग्रहण ज्वाइन करा दिया जाए तो हमने ज्वाइन करा दिया इन्होंने हमको निलंबित कर दिया हम लोग निलंबित हो गए बिना किसी कसूर के आठ महीने की लड़ाई के बाद हम जो है मार्च दो हजार उन्नीस आठ मार्च दो हजार उन्नीस को अनंतिम बाल बी एस सी ने एक चाल खेल दी और अनंतिम बाल कर दिया आमरण अनशन किया था आप सब जानते हैं मैं पूरा मथुरा जनपद जानता है सर एक तो यही है अपना जो बोल दिया लोकेशन ने और सर ये है हम तेरह लोगों के उन्होंने बहाली पत्र रोक दिए हैं जिनमें कि हम इन्होंने कहा का बाले वो ले अपने अभिलेख लेके लेक जो अभिलेख हमारे पास है ही नहीं है। हम कहा हमने थाने में जमा कर दिए इन्हीं के आदेश इन्हीं के आदेश अनुसार थाने वाले ले आए हम तो थे ही नहीं उसमें इंचार्ज ने दिए हमारे ने हम तो निलंबित थे उसमें उसका हम पर क्या कहते हैं उनकी रिसीविंग भी है थाने की उ, उस लेकिन उन्होंने क्या किया उनको हमको रोक दिया है कि तो तुम्हारे पास वो नहीं है लेकिन हम थाने में जाके और फिर थाने वाले कोर्ट में कोर्ट में भी जाके पता कर आए बाबा जब से छुट्टियाँ हमें हुई हैं तब से बाबा चक्कर लगा रहे हैं लेकिन हमारे पास अभिलेख वो यहाँ पे है ही नहीं है तत्कालीन बी एस ने इंफॉर्मेशन दी कि आप सब लोग इनके खिलाफ। सभी लोगों ने डॉक्यूमेंट मांगते हैं और ज, जो कोर्ट में जमा है कोर्ट में इनको खुद निकलवानी चाहिए ये नहीं निकालते और जो मैडम कह रही हैं जिस तरह से इसमें आप ये देखिए जिन लोगों के पास रजिस्टर खो गई या जो संबंधित अध्यापक लेके भाग गया उनके पास कुछ है ही नहीं उनको बहाल कर दिया गया और जिनके पास जो रिसिप्ट दे रहे हैं इनको के थाने में जमा है हमारा आफ्टर दैट वी ये लोग जो है उन इनको बहाल नहीं कर रहे हैं, उनको बहाल भी कर दिया